मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। अकोला में महाराष्ट्र में मैं प्रैक्टिस करता हूं। हमारा हॉस्पिटल है जहां हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का इलाज करते हैं और रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। दूसरा हॉस्पिटल है जहां हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो हमारे पास में काफी पेशेंट बच्चे आते हैं कि जिनको एपिलेप्सी के झटके आते हैं, एपिलेप्सी का दौरा आता है, झटके आते हैं, बेहोशी के झटके आते हैं। बच्चों में खास तौर पे थोड़ा कुछ हो गया तो बुखार आता है, फिर सर्दी खांसी जुकाम उसकी वजह से बुखार आता है, वायरल फीवर आता है, और फिर उसमें बुखार आने के बाद में फिर उनको बच्चों को झटके आना शुरू होते हैं। जैसा एक साल का दो साल का बच्चा हो, थोड़ा बुखार आता है, थोड़ा बदन गर्म हो जाता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है, आंखें मतलब उल्टी घुमाता है और बेहोश हो जाएगा, झटके मारेगा हाथ को, और फिर माँ बाप परेशान होते हैं, बहुत फिक्र लगती है कि हुआ क्या है, बेहोश हो गया, बेहोश होता है लड़का बच्चा, लड़का लड़की जो भी कुछ हो। तो फिर और उनको ये मालूम है कि बुखार निकल गया तो झटके आते नहीं। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि बुखार निकल गया एक बार तो बुखार का इलाज करना जरूरी है, बुखार निकल गया कि झटके आना बंद, तो फिर उनको फिक्र लगे रहती है कि अभी बुखार आया तो अभी क्या होगा। वो हमारे पास में जब आते हैं तो उनका उनका पूरा चेकअप जांच कर लेते हैं, उनका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करते हैं, भेजेगा ईजी निकालते हैं, जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा और लगा कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है माइनर तो फिर MRI भी निकाल लेते हैं, और उसके बाद में उसका इलाज करते हैं, उनको एंटी एपिलेप्टिक्स जो दवा है वो देते हैं। वो जो एंटी एपिलेप्टिक दवा जो है मतलब फिट रोकने की जो बीमारी जो है उसकी दवाई, मतलब फिट की जो बीमारी उसकी दवाई, तो उसमें काफी सारी दवाइयां हैं। कुछ दवाइयां ऐसी कि जिससे उसको बहुत नींद आती है तो हम दवाई टालते हैं, और फिर उसके साथ में माँ बाप को ये बोलते हैं कि अभी बुखार नहीं आने के लिए क्या करना, क्योंकि बुखार आने नहीं दिया या फिर बुखार आ गया तो बुखार जब आता है तब कौन सी दवा देना, वो बच्चों को बता, वो हम बच्चों को दवा कौन सी देना माँ बाप को बताते हैं कि भाई बुखार थोड़ा भी लग गया कि बुखार आ गया है तो दवा दे दो ताकि बुखार उसका कम हो जाएगा, बुखार कम हो जाएगा तो फिट नहीं आएंगे। फिर होता क्या है कभी कभी कि बिना बुखार के भी फिट आती है, फिर उस समय हमको उसको कम से कम 3 साल तक दवाई देना जरूरी होता है। तो काफी सारी ऐसी दवाइयां हैं कि जो बच्चों को देने के बाद में साइड इफेक्ट नहीं होता और 3 साल तक बच्चों को दवाई दिया तो हरदम के लिए फिट की बीमारी निकल जाती है। माँ बाप में कोई घबराने की बात नहीं है, ये फिट है मतलब एपिलेप्सी है और उसमें कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, मतलब ब्रेन में भेजे में कोई स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है, फंक्शनल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से ज्यादा निकलते हैं उसमें से ये प्रॉब्लम होता है या केमिकल इंबैलेंस से प्रॉब्लम होता है। तो इलाज 3 साल तक किया तो फिट पूरी निकल जाएंगी और बच्चा अच्छा हो जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 3 साल तक बच्चों को फिट ही आएंगे, 3 साल ऐसे होना चाहिए कि जो 3 साल में उसको फिट नहीं है और बाद में फिर दवा बंद कर सकते हैं। तो हमारे पास में आने के तुरंत बाद हम दवा देते हैं तो फिट बंद हो जाते हैं, बुखार आया तो बुखार के लिए वो अलग से दवा देते हैं, और एक बार फिट बंद हो गए तो 3 साल तक बिना फिट वो बच्चा रहता है कि फिट नहीं आई और अभी 3 साल हो गए तो फिर हम दवा धीरे धीरे फिर बंद कर देते हैं। तो माँ बाप को मुझे ये बोलना है कि बीमारी पूरी कंट्रोल में है, क्योर हो जाती है, डरने की कोई बात नहीं रहती है, दवा देना जरूरी होता है, दवा दिया तो बच्चा पूरा अच्छा हो जाएगा। काफी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, जरूर ये वीडियो शेयर करो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा माँ बाप जो परेशान है आज ये बीमारी से उनको राहत मिलेगी, बच्चा भी अच्छा हो जाएगा और आगे हम हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छी निकलेगी, क्योंकि उनका यदि फिट का इलाज अच्छा हो जाता है तो मंदबुद्धि होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बार बार यदि फिट आती है तो बच्चा मंदबुद्धि का होना मतलब संभव है कि हो सकता है कि वो मंदबुद्धि का हो जाएगा, तो हमारी अगली पीढ़ी जो है आने वाली पीढ़ी वो भी अच्छी हो जाएगी और हमारा देश बलवान देश होगा। सो आप जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।